पिछले एपिसोड में आपने देखा कि निंजा टूर्नामेंट का फाइनल स्टार्ट हो जाता है, जहां पर ऐश बैटल करता है इथन से, जो कि एक काफी ओवर कॉन्फिडेंट ट्रेनर था। बैटल स्टार्ट हो जाती है और दोनों ही ट्रेनर्स अपने ग्रेंजा को बाहर निकालते हैं। इथन का ग्रेंजा काफी रेयर था, उसकी डिजाइन भी यूनिक थी, और जब बैटल स्टार्ट हो जाती है तो सब नोटिस करते हैं कि इथन के ग्रेंजा के वॉटर शुरिकेन स्टील के है, जिसके चलते ऐश का ग्रेंजा इंजर्ड हो जाता है, बट इवेंचुअली वो कमबैक कर लेता है। अब आगे इथन ऐश के ग्रेंजा के पावर्स को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अब इथन का ग्रेंजा यूज करता है वाटर शुरिकेन अटैक का। वहीं पर ऐश अपने ग्रेंजा को हाइड्रोपंप अटैक यूज करने बोलता है, ये सोचकर कि वो वाटर शुरिकेन को रोक देंगे, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि वाटर शुरिकेन स्टील के थे और वो हाइड्रोपंप को डिस्ट्रॉय करते हुए ऐश के ग्रेंजा की तरफ आ जाते हैं। ऐश का ग्रेंजा इसको डॉज करने की कोशिश करता है, बट लास्ट में यह अटैक उसके ऊपर लग जाता है, जिससे वो और भी इंजर्ड हो जाता है। ग्रेंजा अब ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहा था। ऐश काफी ज्यादा डर जाता है कि ग्रेंजा को कहीं ज्यादा सीरियस इंजरी ना हो गई हो। ऐश बोलता ग्रेंजा, क्या तुम अभी भी आगे बैटल कर सकते हो? ग्रेंजा बोलता है कि हाँ, मैं बैटल कर सकता हूँ। वो किसी तरह से ऐश को ये बैटल जिताना चाहता था। इथन बोलता है कि तुम्हारे ग्रेंजा में तो काफी अच्छी फाइटिंग स्पिरिट है। स्पाइक बोलता है कि अगर पावर लेवल को कंपेयर किया जाए तो ऐश के ग्रेंजा के मुकाबले इथन का ग्रेंजा कुछ भी नहीं है। ऐश के ग्रेंजा ने इस पूरे बैटल के अंदर पूरी तरह से इथन के ग्रेंजा को डोमिनेट किया हुआ है, बट इथन के ग्रेंजा को एक ही चीज एडवांटेज दे रही है, जो कि स्टील के वॉटर शुरिकेन। इसके चलते ऐश के ग्रेंजा को इंजरी हो रही है और बैटल करने में दिक्कत आ रही है। इस पॉइंट पर तो मुझे लग रहा है कि ऐश का ग्रेंजा हार सकता है। तभी गो बोलता है, वो देखो क्या हो रहा है, ऐश का ग्रेंजा पूरी तरह से एक वॉटर टोर्नेडो में आ गया था। सारी ऑडियंस, कमेंटेटर और लोग शॉक हो गए थे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं देखा था। तभी वॉटर टोर्नेडो चला जाता है और हमें एक ब्रांड न्यू ऐश का ग्रेंजा देखने को मिलता है, जिसके पीछे एक शुरिकेन था। उसकी डिजाइन भी थोड़ी सी डिफरेंट हो गई थी और अब वो ऐश की तरह दिखने लगा था। सभी लोग शॉक हो जाते हैं। इथन बोलता है, ये क्या है, बैटल के बीच में अचानक से तुम्हारा ग्रेंजा कन्वर्ट कैसे हो गया और ये कौन सा फॉर्म है? कमेंटेटर बोलता है, ये क्या, ऐश का ग्रेंजा बिल्कुल एक डिफरेंट पोकेमॉन में बदल चुका है। ये पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे रेयर पोकेमॉन होगा। आज तक हमने निंजा टूर्नामेंट के हिस्ट्री में काफी सारे स्पेशल पोकेमॉन्स देखे हैं, जैसे कि जायंट पोकेमॉन, ऐसे पोकेमॉन जिनके अटैक या फिर स्पीड ज्यादा है, या फिर ऐसे पोकेमॉन जिनके डिजाइन थोड़ी डिफरेंट है, जैसे कि इथन का ग्रेंजा या फिर शाइनी ग्रेंजा, बट ये तो कुछ डिफरेंट है। बिल्कुल मेगा एवोल्यूशन की तरह ऐश के ग्रेंजा ने बैटल के बीच में ही अपना फॉर्म चेंज कर लिया है, जबकि ग्रेंजा के पास किसी तरह का फॉर्म एबिलिटी या फिर एवोल्यूशन नहीं है। सभी लोग पूरी तरह से स्टन हो गए थे। इथन बोलता है कि क्या यही थी ऐश के ग्रेंजा की सीक्रेट पावर जिसके बारे में ब्रॉक बात कर रहा था? अगर ऐसा है तो हमें डिक्लेयर कर देना चाहिए कि ऐश का ग्रेंजा पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन है, क्योंकि उसने बेस फॉर्म में भी इतने स्ट्रॉन्ग ग्रेंजा को डोमिनेट किया था और अब उसके पास एक और सीक्रेट फॉर्म है। मैंने तो इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा कोई ग्रेंजा पोकेमॉन वर्ल्ड में होगा। पूरी ऑडियंस पागल हो चुकी थी, क्योंकि उनको ग्रेंजा पहले से ही काफी पसंद थी और ऐसा ग्रेंजा उन्होंने कभी भी नहीं देखा था। अचानक से सभी ऐश के फैन हो गए थे और काफी शोर मचाने लगे थे। ऐश और इथन को बैटल करने में मुश्किल हो रही थी, बट किसी तरह से इथन कंटिन्यू होती है। बैटल बोलता है कि मानना पड़ेगा तुम्हारा ग्रेंजा काफी स्पेशल है, बट क्या इस फॉर्म में उसके पास कुछ स्पेशल पावर्स आ जाती है? ऐश बोलता है, वो तो तुम्हें बैटल में ही पता चल जाएगा। अब इथन अपने ग्रेंजा को वापस से वॉटर शुरिकेन यूज करने बोलता है, बट ऐश का ग्रेंजा इसको काफी इजीली डॉज कर लेता है। अचानक से उसकी स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। ऐश बोलता है कि वेल, हमने इथन के ग्रेंजा के स्पेशल वॉटर शुरिकेन को तो देख लिया, बट अब हमारी बारी है, ग्रेंजा जायंट वॉटर शुरिकेन का यूज करो। इथन बोलता है, क्या इसका मतलब क्या है? ऐश एक स्माइल देता है और ऐश का ग्रेंजा एक काफी ज्यादा बड़ा वॉटर शुरिकेन क्रिएट करता है, जिसको देखकर सभी स्टेडियम में बैठे हुए लोग, कमेंटेटर और इथन शॉक हो जाता है। उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं देखा था। ऐश का ग्रेंजा जायंट वॉटर शुरिकेन को शूट कर देता है, जिसको इथन का ग्रेंजा डॉज करने की कोशिश करता है, बट एंड में उसके ऊपर ये अटैक लग ही जाता है, जिससे काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और हर तरफ धुआं धुआं हो जाता है। स्पाइक बोलता है कि ये तो अनबिलीवेबल है, शायद इथन का ग्रेंजा इतने बड़े वॉटर शुरिकेन से बचा होगा, बट ऐसी पावर ऐश के ग्रेंजा के पास कैसे आई, ये तो बिल्कुल अलग ही लेवल पर है। सरीना बोलती है कि इसके पीछे एक काफी बड़ी स्टोरी है, जो कि हम तुम्हें बाद में बताएंगे। फाइनली धुआं हट जाता है और देखने को मिलता है कि इथन का ग्रेंजा हार चुका है, जो कि बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। इथन ने भी होप खो दी थी और वो जमीन पर बैठ जाता है और सैड हो जाता है। उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि किसी ने फाइनली उसको डिफीट कर दिया है एंड उसके अनडिफीटेड रहने की स्ट्रीक अब टूट चुकी है। वहीं पर ऐश अपने ग्रेंजा के पास जाता है। वैसे तो ग्रेंजा ने इस पूरे बैटल को डोमिनेट किया था, बट स्टील के वॉटर शुरिकेन के चलते उसको कुछ इंजरी हो गए थे, इसीलिए उसको बॉन्ड एवोल्यूशन का यूज करना पड़ा, वरना उसका भी यूज नहीं करना पड़ता। ऐश बोलता है, ग्रेंजा तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, तुम डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन और पोकेमॉन वर्ल्ड के। दोनों ही गले लग जाते हैं, बट ग्रेंजा काफी ज्यादा इंजर्ड था, इसीलिए ऐश जल्दी से अपने ग्रेंजा को पोकेबॉल के अंदर ले लेता है। इसके बाद इथन जाकर ऐश से मिलता है और बोलता है कि इथन, तुम काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे। हाँ, तुम्हारा ग्रेंजा काफी स्ट्रॉन्ग और स्पेशल है, बट हमेशा कोई ना कोई ऐसा होता ही है जो कि तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तुम्हें यह हार एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए और अगली बार और भी ज्यादा ट्रेनिंग करके निंजा टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, एंड अगली बार तुम डेफिनेटली टाइटल जरूर जीतोगे। इथन खड़े हो जाता है और ऐश से गले मिलता है। वो बोलता है कि मुझे नहीं लगा था तुम इतने अच्छे
अच्छी होगी और अब मेरा ओवर कॉन्फिडेंट टूट चुका है। अब मैं और ग्रेंजा और भी ट्रेनिंग करने वाले हैं। इथन जाकर अपने ग्रेंजा को उठाता है और बोलता है कि तुमने काफी अच्छी बैटल करी बट मैंने तुमको अच्छे तरीके से यूज नहीं किया है, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा कि मैं तुमको अच्छे तरीके से यूज करूं। इथन अपने ग्रेंजा को पॉकीबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है कि ऐश एक मिनट रुको। वो अपने बैग से एक स्पेशल पोशन निकालता है जो कि वो ऐश को देता है। इथन बोलता है कि इसको अपने ग्रेंजा के ऊपर यूज करो जिससे उसकी इंजरी ठीक हो जाएगी। ये एक स्पेशल पोशन है जिसके चलते अगर स्टील के शुरिकेन से किसी पोकेमोन को इंजरी हो जाती है तो वो ठीक हो जाएगी। वैसे तो मैं इसको अपने पास इसलिए रखता हूँ ताकि अगर मुझे या फिर मेरे किसी और पोकेमोन को ट्रेनिंग करते हुए मेरे ग्रेंजा के चलते इंजरी हो गई तो वो ठीक हो जाए। मैं इसको अपने अपोनेंट्स को नहीं देता हूँ बट मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद आए। ऐश बोलता है थैंक यू, इससे मेरी काफी हेल्प हो जाएगी। ऐश अपने ग्रेंजा को बाहर निकालता है और स्पेशल पोशन का यूज कर लेता है जिससे ग्रेंजा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इथन बोलता है कि ये वायरल देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारे ग्रेंजा सबसे स्ट्रॉन्ग नॉन लेजेंडरी पोकेमोन है पूरे पोकेमोन वर्ल्ड का और इसके पास लेजेंडरी पोकेमोन से भी बढ़कर स्पेशल पावर्स है। तभी वहाँ पर ब्रॉक, मिस्ट्री सैना, गो और स्पाइक आ जाते हैं। मिस्ट्री सैना और ब्रॉक हंसते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम्हें ऐश का ग्रेंजा सबसे स्ट्रॉन्ग नॉन लेजेंडरी पोकेमोन लग रहा है तो अभी तक तुमने ऐश के पिकाचू से बैटल नहीं करी है। और बोलते हैं कि अगर तुम्हें ऐश का ग्रेंजा सबसे स्ट्रॉन्ग नॉन लेजेंडरी पोकेमोन लग रहा है तो अभी तक तुमने ऐश के पिकाचू से बैटल नहीं करी है, वो इससे भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इथन बोलता है कि अगर ऐसा है तो तुम सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर हो पोकेमोन वर्ल्ड के मेरे अकॉर्डिंग। मैं और ट्रेनिंग करके तुमको और तुम्हारे ग्रेंजा को एक दिन जरूर डिफीट करूंगा। ऐश बोलता है कि मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। इथन काफी डिसअपॉइंटेड होता है। वो अपने ग्रेंजा को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और स्टेडियम से बाहर निकल जाता है। तभी वहाँ पर निंजा टूर्नामेंट के चेयरमैन आते हैं और वो बोलते हैं कि तुम सबसे पहले ऐसे पोकेमोन ट्रेनर हो जिसने अपने पहले निंजा टूर्नामेंट में इस पूरे टूर्नामेंट को जीत लिया है और टाइटल अपने नाम कर दिया है। और स्टेडियम को देखकर कोई भी बता सकता है कि पूरी ऑडियंस तुमसे काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुकी है। उन्हें तुम्हारा ग्रेंजा काफी स्पेशल लगा और पसंद आया। इनफैक्ट मुझे भी ये काफी ज्यादा अच्छा लगा। क्या तुम इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो हमारे ऑडियंस को जिसके बाद तुम्हें प्राइज दिया जाएगा? ऐश बोलता है जरूर, ये है बॉन्ड एवोल्यूशन और इसको हमने कैसे अचीव किया उसके पीछे एक काफी बड़ी स्टोरी है जिसको बताने में काफी टाइम लगेगा। चेयरमैन बोलता है बॉन्ड एवोल्यूशन ये तो काफी यूनिक लग रहा है और ऐसी चीज मैंने कभी भी नहीं सुनी। इसके नाम को देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि तुम्हारे और ग्रेंजा के बीच में काफी अच्छी फ्रेंडशिप होगी जिसके चलते तुमने इसको अचीव किया। ऐश बोलता है कि हाँ ऐसा ही कुछ बट मेरा ग्रेंजा शुरू से ही स्पेशल था। तभी सारी ऑडियंस स्टेडियम से एक एक करके बैटल फील्ड में आना शुरू करती है और ऐश और उसके ग्रेंजा से मिलती है। वो लोग ऐश और उसके ग्रेंजा के फैन हो गए थे, उन्होंने ऐश और ग्रेंजा को पूरी तरह से घेर लिया था। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी आती है और सबको दूर करती है। चेयरमैन बोलता है कि देखो सबको तुम्हारा ग्रेंजा काफी पसंद आया। इसके बाद ऐश अपने और ग्रेंजा की पूरी बैक स्टोरी बताना स्टार्ट कर देता है।